विधानसभा में बजट सत्र के 14वें दिन प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने स्कूल जतन योजना के स्वीकृत कार्यों की जानकारी मांगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि योजना के तहत जो काम शुरू नहीं हुए इन कामों को शुरू करेंगे या निरस्त करेंगे। इसके जवाब में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, योजना के तहत 724 कार्य पूर्ण है, 234 कार्य अपूर्ण है, 40 कार्य शुरू ही नहीं हुए। इन 40 कामों का परीक्षण कराकर निर्णय लेंगे। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में इस योजना के नाम पर बहुत अति की गई है, ऐसे कामों की जानकारी ली जाएगी और परीक्षण के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंत्री अग्रवाल ने ये भी कहा कि यदि कार्रवाई शुरू करेंगे तो कोई नहीं बचेगा। जो स्वीकृत कार्य है उन कार्यों में आपने 724 कार्य पूर्ण बताए हैं, पर मेरी जानकारी के अनुसार इसमें भी 25 से 30% कार्य नहीं हुआ है, आपको गलत जानकारी दिए हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार चल रही थी उसको दुरुस्त करने में कुछ समय तो लगेगा, स्कूल के भविष्य तो की बात समय है, कम लगेगा, से कम इधर सब व्यवस्था बिगाड़ दिया था उसका। व्यवस्था कोई नहीं बिगाड़ा है, आप कार्य स्वीकृत हो गई थी, उस कार्य को क्यों बंद किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा। आप अजय चंद्राकर की तरफ देख के बात मत करिए, मुझे देख के बात करिए और प्रश्न करिए। वो वैसी वो चाहते हैं कि सब डिस्टर्ब हो और मेरे तरफ सब बिल्कुल उधर देखना ही नहीं है आपको। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 724 कार्य पूर्ण हुए हैं, 234 कार्य अपूर्ण हैं, 194 कार्य प्रगति पर हैं और 40 कार्य अप्रारंभ हैं। जो प्रारंभ कार्य हैं वो सिर्फ 40 हैं, बाकी सभी कामों के लिए टेंडर हो गया है, काम की शुरुआत हो गई है और वो काम वहाँ पर चल रहे हैं। आपका क्षेत्र है, आप स्वयं जाकर सैंक्शन भी आप ही लोगों ने किया था, टेंडर भी आप ही लोगों ने किया था, तो किसी भी काम को हमने रोका नहीं है। जिस काम का टेंडर नहीं हुआ, जो काम प्रारंभ नहीं हुआ, खाली वही काम प्रारंभ नहीं हुए, बाकी सभी काम वहां पर चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, काम रोका गया है, जो काम शुरू हुआ था वो काम रोक दिया गया है, आदेश है, आप विभाग के द्वारा जानकारी ले लीजिए। और जो 40 काम अपूर्ण है वो भी आपके शासकीय एजेंसी के माध्यम से हो रहा है, PWD और RES, तो वो क्यों रोका गया है ये मैं जानना चाहूंगी। और ये बाकी जो शुरू काम है वो भी रोका गया है, आप अपने विभाग से सही जानकारी ले लीजिए, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में हैं इसलिए हमें पूरी जानकारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने किसी भी काम को नहीं रोका है, जो काम अपूर्ण है वो काम ठेकेदार को पूरा करना है, जो काम प्रगति पर है वो उनको पूरा करना है, जो 40 काम शुरू ही नहीं हुए हैं खाली वही काम रुके हुए हैं, बाकी किसी भी काम को रोका नहीं गया है, शासन का कोई निर्देश नहीं है, जो काम प्रारंभ नहीं हुए हैं खाली वही रुके हुए हैं। तो ये 40 जो अधूरी काम है उस आप आदेश करेंगे कि वो काम कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये काम जल्दी हो जाना चाहिए ताकि अगले नए सत्र में हमारी स्कूल संचालित हो वहाँ पे, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे क्षेत्र में स्कूलें हैं जो सामुदायिक भवन में लग रहे हैं और कहीं इधर उधर लग रहे हैं, तो वो वैसा काम आप तत्काल निर्देशित करेंगे कि जल्दी चालू हो और कंप्लीट हो और 40 अधूरे काम भी तत्काल जारी हो। इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल की नई बिल्डिंग बनना हो, आप लोगों ने तो इतनी अति की है, अब मैं उसके बारे में बोलूंगा। 61 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए, कोई इस्टीमेट नहीं है कि एक कमरा बनेगा इतने बाई इतने का बनेगा तो उसमें कितना पैसा लगेगा, किसी भी अगर एक कमरे के लिए किसी ने 20 लाख मांगा 20 लाख दे दिया, किसी ने 30 लाख मांगा 30 लाख दे दिया, कोई भी उसमें इस प्रकार से खर्च किया गया, उसके बाद भी जो काम चल रहे हैं, जो काम ऑन गोइंग है उनको हम नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि वो शासन के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। जो 40 काम है उन 40 कामों का हम परीक्षण करवाकर उसकी वास्तविक जितनी लागत होगी उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद जिला का प्रश्न है, चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, जो रुके हुए काम है मेरे विधानसभा के लगभग 8-10 काम है माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव के कारण वो पोलिंग बूथ बने हुए थे, पूरा प्रतिवेदन में अपने विधानसभा का ही बोले थे आप, और क्या बच गया है अभी है और बोलूंगा पूरा, जब तक सत्र चलेगा तब तक बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय,
वो जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे वो स्कूल जर्जर हो चुके हैं, उनके निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो ऐसे निर्माण काम, जिसको निर्माण करना बहुत जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, तो आपसे आग्रह करूंगा तो उसके भी जो रुके हैं उसके भी निर्माण काम की स्वीकृति आप दे दें। बोलिए माननीय अध्यक्ष जी, 958 काम बालोद जिले में स्वीकृत हुए थे, जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं 958 कामों में से सिर्फ 40 काम जो प्रारंभ नहीं हुए थे वही काम रुके हुए हैं, बाकी सभी काम हो रहे हैं और इन 40 कामों को भी हम परीक्षण करवाकर गुण दोष के आधार पर उसका निर्णय करेंगे। चलिए आप पूछ लीजिए, एक मिनट आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जब भी हो कोई भी काम के लिए आप लोगों ने बहुत अति कर दिए थे। ये काम कार्य योजना बनाने का काम अधिकारी करता है, सेंक्शन देने का काम अधिकारी करता है, काम कराने का काम अधिकारी के निर्देश पे होता है, तो ये हमारे माननीय मंत्री हैं, संतरी जो भी दिए हैं उनके दोष क्या है? जो अधिकारी अगर अति किया होगा इसमें कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय हम अगर कार्रवाई शुरू करेंगे ना तो कोई नहीं बचेगा। नहीं नहीं, सब करिएगा।